नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है HSC, इसके द्वारा हाल ही में एक भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और अगर आप इस रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटी वाले फोन से दबाकर आप वॉल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपको रिजल्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, और इसी में आपका ये रिजल्ट यहाँ पर जारी हुआ है। एडवर्टाइजमेंट रहेगी आपकी 12/19, ये देख सकते हैं 12/19, और ये आपकी पोस्ट है यहाँ पर, फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्चर थ्योरी स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पंचकुला, और एडवर्टाइजमेंट 12/19 कैटेगरी नंबर 28, और डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर है। जैसे जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, ये रिजल्ट आ चुका है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अनाउंसमेंट, फाइनल रिजल्ट है, एग्जाम स्कोटिंग डॉक्यूमेंट, साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया, तो इन सभी को मिलाकर यहाँ पर जो फाइनल जो रिजल्ट है ये कमीशन के द्वारा जारी कर दिया गया है। रिजल्ट हैज बीन शो कैटेगरी वाइज एंड रोल नंबर वाइज एंड मार्क्स स्कोर बाय द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी हैव बीन शोन इन द ब्रैकेट। टोटल थी यहाँ पर 44 पोस्ट, ये जनरल की है 18, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कट ऑफ गई है 85 पर, तो कट ऑफ जो है इनकी बहुत ज़्यादा गई है। उसके बाद जनरल वेटिंग की देख सकते हैं आप यहाँ पर, और इनके 73 पर गई है। SC के 6 कैंडिडेट हैं, इनकी गई है 63 पर। SC वेटिंग की गई है 60 पर। BCA की गई है 70.50 पर, और उसके बाद वेटिंग वालों की 69 पर है। BCP की 3 है और इनकी गई है 68 पर, और ये वेटिंग वाले हैं 65 पर। उसके बाद EWS की 3 है और इनकी गई है 72 पर, EWS वेटिंग की गई है 69 पर। और उसके बाद ESM जो जनरल 2 है, 2 पोस्ट, और ये 68 पर। ESM जनरल ये देख सकते हैं 58 पर, और उसके बाद ESM SC इनकी है 62 पर, और BCA वाले की 2 पोस्ट और इनकी गई है 48 पर, और BCB इनकी 2 पोस्ट है, इनकी गई है 56 पर। उसके बाद ESM BCB वेटिंग वाले हैं और इनकी गई है ये वेटिंग वालों की DSM 52 पर, और SC1 की 61 पर है, और BCA जो ESP में है इनकी 70 पर है। तो कट ऑफ जो है यहाँ पर ये आपकी 60 से ऊपर ही यहाँ पर रह रही है, लगभग जो 60 से ऊपर ही है। क्राइटेरिया देख सकते हैं 90 नंबर का एग्ज़ाम और 10 नंबर साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के, टोटल हैं आपके 100 मार्क्स। कुछ नोट है यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ ऑल अबो कैंडिडेट्स इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन साइको इकोनॉमिक्स मार्क्स एंड अदर क्वालिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। इफ एन कैंडिडेट इज फाउंड टेक बेनिफिट ऑफ साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया देन ही सी विल बी आउटसाइड फ्रॉम द सिलेक्शन लिस्ट एंड कैंडिडेट में आल्सो बी कंसल्ट। तो यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट ये फेक पाया जाता है तो उसका कैंडिडेट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। ऑल कैंडिडेट आर इंटमेट टू प्रोड्यूस एंड सबमिट सर्टिफिकेट इशू बाय तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट SDM रिगार्डिंग नो गवर्नमेंट जॉब इन फैमिली। तो ये आपने देना होगा अंडर साइको इकोनॉमिक्स कैटेगरी एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग, जॉइनिंग के समय ये आपने देना होगा, और तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये कुछ कोर्ट वगैरह है, अगर पोस्ट खाली रह जाती है तो दूसरे के द्वारा से फिल किया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर रिजल्ट हाल ही में जारी हुआ है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसे सबसे पहले पाने के लिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।